का फेस ब्लैक हो गया है, यस ब्लैक हो गया। पूरा हिंदुस्तान के लिए मैं दुआ करें। हाँ दोस्तों वेलकम, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम मुस्तकीम, चैनल का नाम अमसवीर, तो आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं दोस्तों चैनल पर। तो मेरे दोस्तों बात करेंगे सिहाब भाई के सफर को लेकर। सिहाब भाई इराक बॉर्डर पर कितने दिन लगेंगे पहुँचने में, यानी कितना टाइम लगेगा, और सिहाब भाई की इंस्टाग्राम आईडी जो है हैक हो चुकी है दोस्तों, उस पर भी बात होगी, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी दोस्तों, बस छोटी सी होगी, जितनी भी होगी कामयाब बात होगी, तो वीडियो में आखिर तक बन रहे। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों उससे पहले एक बार आप सिहाब भाई की बातें सुन। मैं अभी ईरान में है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, इंशाल्लाह बाकी 10-12 दिन का अंदर इंशाल्लाह मैं इराक बॉर्डर में पहुंचेगा इंशाल्लाह। अभी मैं ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह दुआ में याद रखना सब लोग, मैं भी दुआ करेगा, पूरा दुनिया के लिए दुआ करेगा। सर आपका इंस्टाग्राम आईडी गया इंस्टाग्राम आईडी हाकई पोईकणे, अद 7 പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ അടക്കം 8 9 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഹാക്കായി പോയിരുന്നു. ആപ്കാ ഫേസ് ബ്ലാക്ക് ഹോ ഗ്യ ഹേ യെസ് ബ്ലാക്ക് ഹോ ഗ്യ പൂര ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെ ലിയ മെൻ ദുആ കരേഗ പൂര ദുനിയ കെ ലിയ ഇൻഷാല്ലാ മെൻ ദുആ കരേഗ ആപ് ലോഗ് മേരേ ലിയ ദുആ കരോ അഭി മെൻ അഭി അഹമ്മദാബാദ് എ റാസ്താ കാ നാം എ ഗാവ് കാ നാം അഹമ്മദാബാദ് ഹേ ഇധർ ഇറാൻ മെ ഇൻഷാല്ലാ आप लोग दुआ करो। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या सैयदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या कल्बी या उयूनी या हयाती या रसूल अल्लाह। तो दोस्तों सिहाब भाई ने बताया कि इंस्टाग्राम की जो आईडी थी सिहाब भाई की, जितने भी उसमें 5.1 मिलियन फॉलोअर थे दोस्तों, और वो जो है चला गया, सिहाब भाई ने खुद बताया, और उस पर जो भी वीडियो थी पोस्ट थी वो सब जो है डिलीट हो चुकी और डीपी भी चेंज है। ये दोस्तों एक बैड न्यूज़ है हम सब के लिए, क्योंकि भाई के इतने ज़्यादा फॉलोअर थे और हैक हो गया, तो बहुत ही दुख की खबर है। और अच्छी खबर ये है हमारे लिए दोस्तों कि सिहाब भाई ने बताया कि इराक में पहुंचने के में मतलब कितना टाइम लगेगा दोस्तों, तकरीबन 10 से 12 दिन जो है सिहाब भाई को और ईरान में सफ़र करना होगा, इसके बाद इंशाल्लाह इराक में जो है अपना सफ़र शुरू करेंगे दोस्तों। फियाल सिहाब भाई जो दोस्तों अहमदाबाद एक गांव पड़ता है, कस्बा पड़ता है ईरान में, और वहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे हैं, और बहुत ही जल्द जो है इराक बॉर्डर पर पहुंचेंगे। और तकरीबन दोस्तों 450 से लेके 460 तक का सफ़र जो है सिहाब भाई ने ईरान में कंप्लीट कर लिया है, बाकी सफ़र तकरीबन 450-450 बाकी है, बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आप सब सिहाब भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें ताकि सफ़र आसान हो, और इंशाल्लाह न्यू अपडेट में मिलेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही था, अपना ख्याल रखें, अपनों ख्याल रखें, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।